ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। एडमिशन के लिए तीसरी बार ये संशोधित नोटिस यहाँ पर जारी किया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या क्या एडमिशन के बारे में नया संशोधन करके क्या चेंजेस किए गए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। संपर्क कक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन है और यहाँ पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन और कोर्स को चेंज किए उनके लिए भी नोटिफिकेशन है। तो वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा। फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संपर्क कक्षा आयोजित की जाएगा, उसका टाइम टेबल जारी किया गया है। UTD विश्वविद्यालय मुख्यालय UTD यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए ये जो कोर्स है BEd फर्स्ट ईयर वालों का है, जो जनवरी से दिसंबर 17 वाले हैं जितने एडमिशन ले लिए हैं उनका यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर विश्वविद्यालय मुख्यालय के UTD विभाग के सिहावा भवन पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर होगा। डेट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, BEd फर्स्ट ईयर के लिए 2 अगस्त से 12 अगस्त तक होगा और यहाँ पर अध्ययन केंद्र में अपनी उपस्थिति अपने पंजीकृत अध्ययन केंद्र में सुनिश्चित करें, ठीक है। तो आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर सभी लोगों को आना अनिवार्य है। उपस्थिति 80% से कम होने पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और सत्रांत परीक्षा में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और जानकारी के लिए कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। बाकी टाइम नहीं लिखा गया है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि टाइम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो अपने डिपार्टमेंट्स से कॉल कर लीजिए। डेट 2 से 12 अगस्त लिखा गया, टाइमिंग यहाँ पे नहीं लिखा गया है। उसके बाद जो यहाँ पर एक कोर्स है MSW अंतिम 17 जुलाई से जून 2023-24 वालों के लिए फील्ड वर्क लघु शोध और इंटर्नशिप रिपोर्ट मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा के लिए जो टाइम टेबल इस प्रकार है। MSW अंतिम समूह 1 वाले और उसके साथ साथ MSW पूर्व ATKT वाले इनका 25 जुलाई 2024 को 10:30 से 4:30 बजे जो क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र है बिलासपुर अंबिकापुर जसपुर रायपुर के सभी अध्ययन केंद्र के शिक्षार्थी, ठीक है, इनका 25 जुलाई 10:30 से 4:30 बजे यानी कि कल ही है। और जो समाजशास्त्र विभाग में ये समाज कार्य विभाग सिहावा अकादमी वहाँ पर होगा और समूह 2 प्लस ATKT वालों का उसके अगले दिन 26 जुलाई को क्षेत्रीय केंद्र दुर्ग कांकेर एवं जगदलपुर के सभी अध्ययन केंद्र वाले वही उसी जगह पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं, तो एडमिशन को लेकर नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है और सब कुछ वैसा ही है। चेंजेस इसमें जो किए गए हैं, 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन। अब पिछला जो मैंने संशोधित नोटिफिकेशन दिखाया था एडमिशन को लेकर, उसमें 30 यहाँ पर अगस्त था, 31 अगस्त तक रखा गया था लास्ट डेट, मतलब अगस्त के पूरे महीने को। अब सीधा सीधा एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया। बाकी सेम चीज़ें जो पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ वही था कि कौन कौन से कोर्स में ले सकते हैं, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें उसी प्रकार से रहेगी। बस डेट जो पहले पूरे अगस्त महीने तक चलने वाला था 31 अगस्त तक, अब वो 30 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है जिसमें कोर्स को चेंज किया गया है। ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स यहाँ पे चेंज किया गया है, वो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अध्ययन केंद्र को परिवर्तन किया है, ऐसे भी यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है तो MA वाले हैं जिनका पहले अध्ययन केंद्र था बिलासपुर, इसको सारंगढ़ किया गया है। और BSc फाइनल ईयर वाले हैं, छुई खदान से रामानुज नगर किया है, MSc प्रियस मैथमेटिक्स दुर्ग से अंबिकापुर किया गया है, ठीक है। और तो ये इतना नोटिफिकेशन है और इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।